कौन मैं तो क्यों वैसे मणियारा। कभी लोग कभी भाई है धरती माते धनजी भगत है, कबीर जी महाराज है, कर्मा भाई है, रूपा दीदी है, मीरा भाई है, सैन जी महाराज है, नाबू जी महाराज है, इन संसार में आ नरमाई राग और भगवान की भक्ति करी जकर नाम इन भक्ति माते अमर संदेश इन वास्ते लिखवी दारी महाराज कहे भाई सबों बड़ो पहलो निउन है जको माता पिता ने पहलो निउन मारे मात पिता ने उत्पुत पालन करिया दूजो निउन इन धरती माता ने जिन पर पगला धरिया अरे संतों भाई जिला निउन कुल तिरिया आद जुगाद निउन पद मोटो साध सती होई तिरिया संतों बिना भजन कुन तिरिया। तो इन प्रकार संत महात्मा लक्ष्मीदास महाराज कहे सबों बड़ो धर्म है जो को माता पिता रे शरण में शीश नमावणे 68 तीर्थ प्रकार रो महात्मा लोग फल बतावे और मनुष्य जन्म धारण करने रे बाद में गुरु महाराज कने जावे शिक्षा ग्रहण करने वास्ते इन वास्ते बतावे तीजो निवण मारे गुरा पीरा ने हृदय उज्वाला करिया सौतो निवण इन सतरी संगत में जिनमें जाए सुधरिया गुरु महाराज कने जा और गुरु महाराज इन प्रकार एडो सत्संग रूपी रस्तो अपनावे और आदमी सत्संग में जावे परमात्मा रो भजन करे तो मिनट जमारो मिलियो सपनो जावे क्योंकि कवि लिखियो भाई 84 लाख जीवा जून भोगतो भोगतो एक बार सत्संग करने वास्ते भगवान रा मानुष तन देवे और मिनट जमार में आ और भगवान री भक्ति नहीं करी मिनट जमारी ओळखण नहीं करी तो वास्तव में महात्मा लोग कहे भाई वो मिनट जमारो मिलियो भी की काम रो नहीं है क्योंकि कवि लिखियो धरती माते मिनक घना मिनका तनो हुगाल जिन मिनक में मिनक पणो उन मिनको रो काल मिनट रो सैप लिए तो घूमनिया घनी है आपने कहूं देखियो है तो एक मिनट में ट्रॉपिक जॉम करा दे लेकिन मिनट पड़ो निभाने वाला बहुत कम है इन संसार में जका मानुष तने ओड़को और भगवान रो भजन करियो वही दिन मिनट पड़ने निभा दिया है बाकी तो कभी लोग लिखियो भाई इन धरती माते कई तरह लोग है और जागरण सत्संग में भी आपने कहूं 4 प्रकार आदमी आवे एक आवे तौनियो एक आवे मौनियो एक आवे ज्ञानियो और एक आवे ऊनियो तौनियो आया करे वो आप रे तौन म्यूजिक कुंज राजी है साउंडरी आवाज की करावे भाई साहब ढोलक की कर बजावे कीबोर्ड री आवाज की करावे वो आप रे खाली म्यूजिक पसंद करे सब तो कोई मतलब नहीं क्योंकि वो खाली तौन ही पसंद है उन्हें एक आवे मौनियो खाली मौन राखने जावे के आज महादेव जी स्तोन माते जागण राखियो और नहीं गया तो हार ओड़बो दे आ प्राण प्रसाद करण पासी गाड़ी टिक लगा दे और एक आया करे ज्ञानियो काकी आल दो एकदम सबारे हमें बैठ और एक एक शब्द श्रवण करे और एक आया करे ऊंगियो जटने रेड़ी री आवाज नहीं आवे उठीने जान बिस्तरो री व्यवस्था करी रात भर पाड़ हुई नहीं फोरे वार आरती करी पसी आई अरे थी भेगई खोलिया गावणिया पूछे अरे थे रात ते कटे होता के मैं तो अट थोड़ो आडो पाड़ो करियो ऊंग आडे पाड़ी जावे कोई ऊबे पाड़ी थोड़ी आवे रात भर नींद घोसी और वार कई मन तो नींद आई कौन थोड़ी झपकी आई हुओ जनो झपकी जाई को रेलगाड़ी थोड़ी आई क्योंकि कवि लिखियो भाई सबोरी भावना अलग अलग है जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे कभी लिखियो पानी पीन पूछे घर हुआ है पहलो घर ब्याह करण पूछे वर हुआ है दूजो घर पंचायती करण करे हर हुआ है तीजो घर मार्ग में तो खोदे दर हुआ है सो तो घर स्यार है घर और स्यार ये काला पानी पी परो नपस के ओ भाई सा घर किन्नो है वो हमें कोई उल्टी करी काला पानी तो पी लियो ब्याह करण पूछे वर यानी बहरी हगई कर दे ब्याह ही कर दे नपस के ओ कौन कोई करे हो सोरियो करे हम कोई करो पंचायतीकरण करे हर पूरे गौर पंचो ने भेड़ा कर दे पसे साथी छोरे हूं क्या जी होई पसे बूढ़ियों ने कहने भेड़ा करिया तू कर तो पहले ही कर दे तो मारक वे तो खोदे दर गौर कोई मोटो कटो रस्तो हाल तो वे और उन रस्ते रे माते खाटो करे कोई अजौन आदमी मोए पड़े उन मूर्ख में घाटो है कभी लिखियो भाई इन धरती रे माते कई तरह रा नुगरा लोग है लेकिन अपन सोच विचार और एड़े सजनरी एड़े संतरी एड़े बुजुर्ग लोग री संगति करनी ताकि इन मिनक जमारे री ओड़ कौन करावे क्योंकि कवि लिखियो संगति की जे संत की क्या नुगरा से काम नुगरा ले जावे नार की संत मिलावे राम जी ज्ञान री जाजा साडे दे अपना उपदेश हो नार की बाहर काटे मंगल गिरी कहते अमर बसाओ धाम संगति की जे संत की पसे क्या नुगरा से काम महात्मा लोग कहे भाई नुगरे आदमी री तो दृष्टांग पड़ी भी खराब है नुगरे आदमी रो संग नहीं करना एक बार कोई महाराज कथा में फरमाओ था कह भाई नुगरों आगो रहना मार जेड़ो कोई अग्यो नहीं धके बैठो कह बाप जी नुगरे यार होकर रहो ठाको ही पड़े हो कोई नंबर प्लेट थोड़ी लागड़ी है भाई आर जी श्यार वाला नुगरो है ना आर जी 19 वाला होकरो है महात्मा लोग कहे भाई नुगरे आदमी माते नंबर प्लेट नहीं लागड़ी है लेकिन नुगरो आदमी बोलते ठा पड़ जा कने बस स्टैंड माते नुगरो उबो है पर पूछियो एक भाई थारो गांव की ओर है बोल तो ही बोली थोड़ा कोई हमादी लेनी पूछियो एक बस कणो आएगी थोड़े कोई नीचे आवनो
और प्रभु पूछी वे घड़ी में टेम कोई वा के थोड़े कोई हकुन करना हो टेम देखने हमदी लेवनी। इन प्रकार नुगरो आदमी बोल तो डोडो बोली और जको गुरुमुखी आदमी है ससंगी आदमी है बूढ़ी और भेड़ो बैठोड़ो है वो आदमी एकदम बोलनो पहला विचार करी के कटी मुकार बिनु अब सब नहीं निकल जा भाई साहब ने कटी कावड़ नहीं कही जा कटी टूकारो नहीं दही जा एकदम विचार कर करो और आप रेम शब्द रो वाणी रो उच्चारण करी और नुगरो आदमी देन देन मेन दे जाने को हुने बेरे बाटो ने की और नुगरे ने आपने कहूं गुरु कोई साई भगवान हम जाओ ने आ जाओ तो नुगरो नहीं माने क्योंकि आपने कहूं एक बार नुगरो आदमी हियाले री टेमरे में मीन की माते लोटा भरवन ठंडो पानी ढोले महाराज कोई मठ में पूजा करने जावता महाराज के भाई आज सर्दी ज्यादा है आ मीन की विसारो अनबोल जिनावर है इन माते ठंडो पानी मत ढोला मीन की मर जाए। वो नुगरो के बाप जी मैं रोजिना चार डब्बा ढोलूंगा मिनी मरी को नहीं थे तो क्यों टेम खराब करो महाराज जे क्यों मूर्ख आदमी मोने है कोनी मूर्ख ने हमजानो ऊंट ने गाड़ी सारनो बरबर है महाराज तो आप रस्तो पकड़ियो मठ में पूजा करने गया पूजा करन पासा आवता रस्ते माते वा मीन की मरियुड़ी पड़ी गुरु जी विचार करियो रे ने नुगरे ने पागल ने घनी हमजायो सर्दी ज्यादा है मीन की माते ठंडो पानी मत ढोला मर जाए नो प्रत्येक ने जीवड़े ने मार दियो गुरु जी रीजी को नुगरे ने लो करियो के भाई मैं तने कितो मना करियो सर्दी ज्यादा है इन माते ठंडो पानी मत ढोल मीन की मर जाए ना मरगी। वो नुगरो के बाप जी थे रोजिना सार बुजियो भेगा उठ उठन टंकोरा बजाओ नगरा बजाओ माला फेरो लोगोरी नींद खराब करो लेकिन थोनी ठाएड़ो अड़िस पड़े महाराज के ठा बड़ कोई पड़े आ तो हम प्रत्येक ठंडे पानी मरी है। वो नुगरो के महाराज ठंडो पानी नींद ढोल ने मरी बाप जी कह तो नुगरो को इन माते में ठंडो पानी ढोल हिनोन करान पासी निसोई जनो मरी महाराज कह रहे नुगरे में घाटो है नुगरा घनी देखिया लेकिन एड़ो नुगरो तो पहली बार मिलियो। इन वास्ते कवि कहे भाई नुगरा नर तो मती मिल जो पापी मिल जो हजार एक नुगरा रे शीस पर लख पापी रो बार क्योंकि वो लिखमी दास जी महाराज रो बहुत ही पुराना भजन है। इन भजन रो अर्थ कोई सार कोई अपरा गोरा गुड़िया देसी लोग तो हैं समझे। एक बार मैं कोई बाड़मेर जिले में कोई सत्संग करने गयो और वो भजन गायो संतो बिना नेउन कुन तिरिया एक भाई उबो होन के मोरे बाड़मेर जिले में कवास गांव में हैंग बिना नेउनी तिरिया मैं कह की करो के की कर कोई रात रे 12 बजे बाड़ आई जक मोसो हमें दिस पैकेट बोल क्योंकि समझने समझने में फर्क है। कवि लिखियो साधु तो सभी बिसारे उल्टी बिसारे ओंदा एक बाड़ी में नीब से खड़गू जान कोंदा हागी समझ में अमृत है और हागी समझ में जहर है लेकिन समझने समझने में फर्क है। हागी समझ रहा हजार अर्थ निकलिया करे इन वास्ते कहे भाई जड़ी भावना रे साबु उन अर्थ निकाले उन्हीं प्रकार उन अर्थ मिल जावे। संत महात्मा कहे स्यारी खर और स्यारी काला काला किन प्रकार के घी घालो घालो हुए पहलो कालो जान सबा में बेई कोनी इनके घरे हालो हालो हुए दूजो कालो और काल पड़े वैसे हालो हुए तीजो कालो मर बे तो करे झालो हुए सो तो कालो कटी भाईसेन घर जान के रोटी बीजी गाले थाली मैन के घी ऊपर ऊपर से भले आन दो बिठरा बाप कौन होगी थाली होगी और के भले आन दो पहलो कालो और बात मान लो कहे मार्ग बे तो करे जालो आगू हिला करी भाई साहब उबारे जो खने जान के थोर खने तूड़ी फेटी है कौन गाँव बाड़ी बिठरा बाप ढेर 3 किलोमीटर मा तो खावे और काल पड़े वैसे हालो काल पड़े उन टाइम रे मैंने घरी कुतर वैसे की तो पैसे न पसे घरे जरूरत पड़े जनो 400 रुपया वो डेरा देन लावे उन मूर्ख में घाटो। इन वास्ते संत महात्मा कहे स्यारी खर और स्यारी काला क्योंकि इन धरती रे माते कलजुग रो पोरो है और कई तरह रे लोग है क्योंकि आपने कहू हम संसार में कलजुग में लोग कोई कहे हमें ऊपर नवे मोल्डन वाला भजन आवन दो क्योंकि समय चेंज हो गयो। अरे भाई लोगों समय चेंज नहीं होया समय तो हो रहो है पहला हूर जी उगता मैं भी उठे उठे उगे लेकिन लोगों री वृत्ति चेंज होगी है और देखने री बात है पहला री टेमर में कोई भी मुकामक मंदिर बनाता जनो आगे लिखा होता अतिथि देव भाव अतिथि यानी मेहमान और देव भाव यानी उठे देवता वासो और उन्हें बाद में थोड़ी समय निकली लोगों री भावना चेंज हुई लिखाण ला गया शुभ लाभ और उन्हें बाद में संस्कृत ज्यादा आ गई लिखाण ला गया स्वागतम और उन्हें बाद में इंग्लिश वालों मामलो ज्यादा आ गयो लिखाण ला गया वेलकम और हमें समय इतो सेंज हो गया है मारुटी ने जोधपुर साइड में लिखा हुए कुत्ते से सावधान क्योंकि जो जो लोगों की वृत्ति सेंज होती जा रही है। संत महात्मा कहे जगा सत्सुग्रे मैंने भक्तो आए परमात्मा री भक्ति करी मारा नाम इन धरती री माते अमर सर लिया है तो महात्मा लोग कहे इन्हीं प्रकार भगवान री भक्ति करो
निवन करूं इन ज्योति स्वरूपी होय इंद्र ओलरिया इमरत बूंदा बरसन लागी निवन जटे जल भरिया अरे साधु भाई बिना भजन कुण तिरिया बिना पाल भव सागर भरिया संसार एक माया जाल रूपी अड़ो सागर है इन संसार में जन्म लेवन आला तो अनेक प्रकार जीव है लेकिन भगवान री भक्ति करन अमर नाम करियो जकर नाम अमर है नहीं तो महात्मा लोग कहे कोई जागरण सत्संग वे उन टेमर मैंने गाउणियों ने कहे भाई ओ अमर हो जाओ अमर हो जाओ। एक बार आपने कहूं बढ़िया सत्संग चल रही उन टेमर मैंने कोई भाई पूछो रे बात है तो छोरो बढ़िया कह गाओ अमर हो जाओ। उन टेमर मैंने जीव जागरण की शुरुआत हुई पहले ही भजन रे मैंने कहे अमर हो जाओ पाप दे कोई ठाबरिया बैठा विसार करियो रे वास्ता रे मैंने गाउणियों री तो बेलू केड़ी बढ़िया है सब जना प्रेम होने अमर हो जाओ बढ़िया भोकार है और अपने तो मजीरों जोड़ी रही हाथ लगाउन दे कौन करो कोई क्योंकि पहला री टेमर मैंने बूढ़िया नेड़े नहीं बेहन देता आगारो थे मन डिस्टर्ब करो सुको सोरो कोई करियो गाँव रे मैंने कोई अमरियो बकरियो भेस पर एक पेटी बाजू लाया महीनो भर माता पूरी करी बढ़िया रागनी करी बाजू ही किया आपे तापे मंडली बनाई सत्संग रो आयोजन राखियो बूढ़िया ही उन मेले मैंने आया बूढ़ियों विसार करी और अपे तो एक तारा रे तंदूरे माते गावता और देखो कनी सोरो बढ़िया एकदम सुर में सुर मिलीडो बढ़िया मधुर आवाज में बढ़िया मीठा गावे बूढ़ियों ने आनंद आयो उन टेमर में कहे भाई रे बढ़िया गाओ थे अमर हो जाओ सोरा कहे बा अमर मत करो कोई बेसन पेटी बाजू ले आई क्योंकि संत महात्मा कहे इन संसार में ने जका परमात्मा री भक्ति करन अमर होया है मारा इस नाम इन धरती माते अमर है इन वास्ते कवि लोग कहे इन संसार में ने पृथ्वी माते एड़ा एड़ा संत हुआ और इन शरीर अजंपा जाप जपिया आप शरीरा होटकंड भी नहीं हिलाया हमारा नाम इन धरती माते अमर है बिना पाल भवसागर भरिया घना डूबा न थोड़ा तिरिया गुरु सर ने माणी लिखमो जी बोले नेम धर्म सु तिरिया जिका भी संत हुआ है नेम री धर्म री पालना करी हमारा बेड़ा इन भवसागर पार होया बोलो भक्त पर भगवान की तो गणपति बंदर बाद में सरस्वती वंदा किन प्रकार तुलसीदास जी महाराज आप मुबार बिनु सरस्वती माता विनती करे और कहे देखो अरे आजा मारे कंठ मैया बैठो ये भवानी।